लंबे इंतजार के बाद 11 मार्च को देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तो विपक्ष तिलमिला उठा। अपोजिशन के कई नेता CAA के विरोध में आवाज उठाने लगे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए विपक्षी नेताओं को दो टुक कहा। अमित शाह ने साफ कहा कि कोई कुछ भी कर ले, CAA कानून वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार भी किया। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से, वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए, नहीं रोक रही है वो, नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गए क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अमित शाह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। अमित शाह ने दो टुक कहा कि CAA मोदी सरकार लाई है और इसे रद्द करना नामुमकिन है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण करने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। शाह ने विपक्ष से सवाल पूछते हुए कहा कि उनके पास क्या ये अधिकार है कि वो इसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ये केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। अमित शाह का इशारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर था, जिन्होंने कहा था कि वे अपने अपने राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करेंगे।